सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोएक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से हम किसी भी रेजोल्यूशन की, किसी भी एस्पेक्ट रेशियो की, किसी भी डिवाइस के अंदर शूट की हुई, यानी कि अगर आप कैमरा में शूट कर रहे हो या फिर अपने स्मार्टफोन के अंदर शूट कर रहे हो, कहीं भी आपने वीडियो शूट की है, किसी भी वीडियो को हम कैसे चेंज कर सकते हैं 2:1 एस्पेक्ट रेशियो के अंदर, जो कि मॉडर्न एस्पेक्ट रेशियो है और कई लोग उसको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं आपको चेंज करके दिखाने वाला हूं किसी भी वीडियो को 2:1 एस्पेक्ट रेशियो के अंदर, और मैं आपको बताने वाला हूं फिल्मोरा के अंदर। तो आप देख सकते हैं फिल्मोरा 9 मैंने ओपन कर रखा है यहां पर। तो हमें यहां से शुरुआत करनी है, तो यहां सबसे पहले हम ध्यान देते हैं एस्पेक्ट रेशियो की तरफ। तो यहां पर जो डिफ़ॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:9, और यहां पे लिखा हुआ है वाइड स्क्रीन, जो कि YouTube के लिए स्पेशली डिज़ाइन है, यानी कि YouTube पर यही एस्पेक्ट रेशियो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। और अगर बात करते हैं फ्यूचर की, तो 2:1 एस्पेक्ट रेशियो या फिर 18:9 एस्पेक्ट रेशियो जो है वो YouTube का फ्यूचर है, और बहुत सारे क्रिएटर उसके अंदर अपनी वीडियोज़ भी क्रिएट करते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे 2:1 एस्पेक्ट रेशियो के अंदर अपनी वीडियो को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसी एस्पेक्ट रेशियो को हमें सेलेक्ट करना है और दूसरे किसी भी एस्पेक्ट रेशियो को नहीं सेलेक्ट करना है। तो हम क्लिक करेंगे सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारा कंप्यूटर फ़िलहाल ऑफलाइन है, इसको हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें अपनी इंपोर्ट करनी है मीडिया फाइल्स, जो भी हम एडिट करना चाहते हैं हमें अपनी यहाँ पर वीडियो इम्पोर्ट करनी है। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक रो फाइल को लेंगे जो अभी तक एडिट नहीं हुई है, तो ये वाली फ़ाइल हम ले लेते हैं, ये अभी तक एडिट नहीं हुई है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं और ये फाइल इंपोर्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये फाइल फिलहाल इंपोर्ट हो गई है। वीडियो को ऐड करने से पहले, टाइमलाइन पर लाने से पहले हमें एक चीज़ करनी होगी, जिससे कि हमारी वीडियो 2:1 एस्पेक्ट रेशियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें जाना होगा फाइल पर, और फाइल पे जाने के बाद हमें जाना होगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमें एस्पेक्ट रेशियो के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है, साथ ही में हमें रेजोल्यूशन को भी नहीं बदलना है। बस हमें ध्यान देना है जो लेंथ इंटू ब्रीथ यहाँ पर दी गई है, यानी कि एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ के साथ हमें कोई भी छेड़ाखानी नहीं करनी है, हम यहाँ पर ध्यान देंगे ब्रेथ के ऊपर। तो यहाँ हम इसे कैंसिल करके और सारा यहाँ से हटा करके हम जो यहाँ पर लिखने वाले हैं वो बिल्कुल जो लेंथ है उसका बिल्कुल हाफ होना चाहिए, तभी हमारी वीडियो 2:1 के अंदर कन्वर्ट हो पाएगी। तो 1920 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसका बिल्कुल हाफ कर देंगे, तो वो होने वाला है 960। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसका बिल्कुल हाफ 960 लिखा, तो जो हमारा एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज हो गया है 2:1 के अंदर। और साथ ही में अगर हमें वीडियो की क्वालिटी और एनहेंस करनी है, यानी कि और बढ़ानी है, तो हम फ्रेम रेट को 25 से बढ़ा करके 30 कर देंगे, यानी कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड कर देंगे। इससे हमारी वीडियो और स्मूथ हो जाएगी, और हम यहाँ पर ओके कर देंगे। और साथ ही में आप चाहते हो कि जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है वो और एनहेंस हो और अच्छी हो, बजाय कि HD के, यानी कि हाई डेफिनेशन के, बजाय मेरी वीडियो की क्वालिटी और अच्छी हो, और आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो साइज़ पर, यानी कि अपलोडिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी वीडियो का साइज़ ज़्यादा होगा, आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो और आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी अच्छी चाहते हो, तो आप जा सकते हो फिर से फाइल पर और क्लिक करना होगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, तो हमें अपनी रेजोल्यूशन चेंज करनी पड़ेगी। तो हम अपनी रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं, उसके लिए हमें एस्पेक्ट रेशियो दोबारा से 16:9 सेलेक्ट करना होगा, और फिर हम फुल HD से अपनी वीडियो की क्वालिटी को एनहेंस करेंगे 4K अल्ट्रा HD तक। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर 16:9 ही है, तो हम उसको चेंज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि जो लेंथ यहाँ पर अवेलेबल है उसका बिल्कुल ही हाफ हमें करना होगा, तो 3840 है, तो इसका हम 1920 जो इसका हाफ होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं 3840x1920 जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 2:9 है, तो इसको हम लॉक कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारी जो वीडियो है उसमें एंड में कोई प्रॉब्लम ना आए सेव करते टाइम, तो हम इसको लॉक कर देते हैं और आपकी वीडियो सेव होगी ठीक इसी एस्पेक्ट रेशियो पर 2:1 पर। तो मैं वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो मैं जो वीडियो की क्वालिटी है
उसको थोड़ा सा कम करने जा रहा हूँ, जिससे कि हमारी वीडियो और जल्दी रेंडर हो जाए और काम थोड़ा सा और आसान हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पर लॉक कर देता हूँ और 30 FPS मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आप सिनेमैटिक व्यू चाहते हो आपकी वीडियो के अंदर, अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो 60 FPS आपके लिए और अच्छा होगा और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर 30 को ही सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं लॉक करने के बाद इसी एस्पेक्ट रेशियो को। और उसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट को ऐड करना है और यहाँ पे हमें डोंट चेंज करना है। अगर हम इसे मैच टू मीडिया करते हैं, उसके बजाय ये मीडिया से मैच कर देता है आपकी वीडियो की क्वालिटी को। तो आप देख सकते हो फिलहाल जो हमारी वीडियो है उसके दोनों ही साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड और साथ ही में राइट साइड में हमें ब्लैक स्पेस देखने को मिलता है, जो कि 2:1 के अंदर नहीं होता है। तो हमें क्या करना है इस ब्लैक स्पेस को हटाने के लिए, अपनी वीडियो पर जा कर के हमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ क्लिक करना है क्रॉप टू फिट पर। और जैसे ही हम क्रॉप टू फिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारी वीडियो ठीक उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ ब्लैक बार दिखाई दे रही है, हल्की हल्की। आप देख सकते हैं हल्की हल्की ब्लैक बार हमें ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ दिखाई दे रही है इसी वीडियो के अंदर। और आप अगर चाहते हैं तो यहाँ अपना लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं बजाय कि यहाँ ऐड करने के। तो वापस चलते हैं और यहाँ पर आप सभी ने देखा, उसके बाद अगर हम चाहते हैं अपना कोई भी लोगो ऐड करना या फिर कुछ भी, तो हम यहाँ पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जैसे अपनी वीडियो एडिट कर ली और पूरी वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई, तो मैं आपको बिल्कुल छोटी सी वीडियो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर रोक के इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे पास यही वीडियो बची है बिल्कुल थोड़ी सी। तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमारी वीडियो जल्दी एक्सपोर्ट होगी। नो इंटरनेट कनेक्शन था इसलिए ये बोल रहा था। इसका हम नाम रख देते हैं 2:1। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम इसको 2:1 सिंपली लिख देते हैं। और उसके बाद हम इसकी जो स्टोरेज लोकेशन है उसको डेस्कटॉप कर देते हैं और ये फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रेजोल्यूशन है वो 1920:1960 है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने वीडियो को लॉक कर दिया था। अगर हम लॉक नहीं करते तो वो फिर से 16:9 एस्पेक्ट रेशियो ही हो जाता। और साथ ही में हम इसकी वीडियो क्वालिटी को और बढ़ाएंगे, जो कि बेस्ट पर हम कर देंगे। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी को और एनहेंस करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी पर रेंडर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको बिटरेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम 10,000 यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 10,000 नॉर्मली यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारी वीडियो का बिटरेट था। साथ ही में हमें ऑडियो को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप स्टीरियो ऑडियो चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, और साथ ही में आप मोनो और सराउंड साउंड भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने बेस्ट पर कर दिया है। बेस्ट पे होने के बाद जो हमारा साइज़ है वो 9 MB है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं वीडियो एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर साउंड रिमाइंडर भी है, जैसे ही हमारी वीडियो कंप्लीट होगी तो एक साउंड रिमाइंडर हमको रिमाइंड करा देगा कि हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि जैसे ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो, शट डाउन कर दो कंप्यूटर को या फिर कुछ भी ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी हमारी वीडियो रेंडर हो रही है और वीडियो अब तैयार होने ही वाली है। आप देख सकते हैं 79% वीडियो हो चुकी है। तो कंप्लीट वीडियो हो चुकी है, हम इसे अब क्लोज कर देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था डेस्कटॉप के ऊपर हमारी वीडियो आ गई है 2:1 के नाम से और ये 9.35 MB की है। तो आप देख सकते हो जैसे ही हम इस वीडियो को ओपन करते हैं, ये 2:1 एस्पेक्ट रेशियो के अंदर हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ऊपर और नीचे हल्की हल्की ब्लैक बार हमें दिखाई दे रही है। और ये हमारे पीसी के अंदर दिखाई दे रही है, स्मार्टफोन के अंदर ये और भी थोड़ी सी पतली आपको दिखाई देगी। और अगर बात करते हैं हम सिनेमैटिक व्यू की, तो उसके अंदर हमें थोड़ी सी मोटी यानी कि थोड़ी सी चौड़ी जो ब्लैक बार है वो दिखाई देती है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका लाइक एम है 50 लाइक्स।